क्या एस्ट्रोजेन सिरप को पीने से भूख बढ़ती है, खाना पचता है, वजन बढ़ता है? इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। एस्ट्रोजेन सिरप, जिसको कि एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया है, एस्ट्रोजेन सिरप में डायस्ट्रेज और पेप्सिन होता है। डायस्ट्रेज और पेप्सिन का काम क्या होता है, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको ये समझा पाऊँगी कि एस्ट्रोजेन सिरप काम कैसे करता है। देखिए, एस्ट्रोजेन सिरप जो है उसको पीने के बाद क्या हो जाना है, एस्ट्रोजेन जो सिरप है ना, वो क्या करता है कि हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पचा देता है। इस प्रकार हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि एस्ट्रोजेन सिरप किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। नंबर वन, कोनस डिजीज। कोनस डिजीज़ का मतलब होता है कि जिन लोगों के पेट के अंदर सूजन हो जाती है, तो उन ऐसे लोगों को एस्ट्रोजेन सिरप नहीं लेना चाहिए। नंबर टू, गठिया। और नंबर थ्री, एलर्जी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एस्ट्रोजेन सिरप का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। एस्ट्रोजेन सिरप का यूज़ होता है इनडाइजेशन, यानी कि अपच में, खट्टी ढकार, पेट में गैस बनना है और खाना ठीक से ना पचना, इन सब कंडीशंस में एस्ट्रोजेन सिरप का यूज़ होता है। आपको ये बताऊंगी कि एस्ट्रोजेन सिरप के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ज्वाइंट पेन, डायरिया। अब मैं आपको एस्ट्रोजेन सिरप से जुड़ी दो इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी। नंबर वन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कब्ज की समस्या है, आपका पेट ही नहीं साफ होता है, तो वहाँ पे आपका एस्ट्रोजेन सिरप काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे तो आपको लग्जेटिव मेडिसिन, यानी कि पेट साफ करने की दवाई लेनी पड़ेगी। एस्ट्रोजेन सिरप जो कि एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है, यानी कि बिना डॉक्टर की पर्ची के मिल जाती है। एस्ट्रोजेन सिरप को एक लंबे टाइम तक लेते रहने से क्या होता है ना, कि हमारे ब्लड में फास्फेट की संख्या में कमी आ जाती है, और फास्फेट की संख्या में कमी होने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, आर्थराइटिस, भूख का ना लगना, मसूड़ों में दिक्कत आ जाना, मसूड़ों में दिक्कत आने लगना, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एस्ट्रोजेन सिरप को एक लंबे टाइम तक लेते रहने से। तो एस्ट्रोजेन सिरप को लेते समय इस बात का ख्याल रखें कि एक लंबे टाइम तक उसको यूज़ ना करें, और बेहतर यही होगा कि अगर आप किसी भी दवा का एक अच्छा सा रिस्पॉन्स चाहते हैं तो दवाओं के साथ में अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस जरूर लाएं।